तो दोस्तों आज बात करते हैं अल्फा 6400 फ्रॉम सोनी। जी हाँ, कल ही सोनी ने लॉन्च कर दिया है अल्फा 6400। अल्फा कही या फिर ये 6400 भी कह सकते हैं, जो कि वेरी पॉपुलर मॉडल्स है। ये 6300 एंड ये 6500, इन दोनों के बीच में अभी ये 6400 बैठता है। एंड इसमें कुछ फीचर्स जो है वो सिमिलर टू द ए 6300 जो प्रीवियस ओल्ड मॉडल है, एंड कुछ फीचर्स जो है वो ए 6500 से लिया गया है, एंड कुछ फीचर्स जो है वो अल्फा 9 जो कि सोनी का स्पोर्ट्स ओरिएंटेड फुल फ्रेम कैमरा है वहाँ से यहाँ पर लिया गया है। तो ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है सोनी अल्फा 6400 में। तो जानते हैं नया क्या है एंड क्यों ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कैमरा हो सकता है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वैसे लाइक और शेयर करेंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट होगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या नया है अल्फा 6400 में एंड क्यों ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पैकेज हो सकता है कोई भी वीडियोग्राफर्स या फिर कोई भी फोटोग्राफर्स के लिए। तो सबसे पहले अल्फा 6400 में APS-C साइज़ का सेंसर जो है, एंड उसमें 24.2 इफेक्टिव मेगापिक्सल्स निकाल सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं पिक्चर्स को। एक बात ध्यान रखना है कि अराउंड 3:2 एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर होगा पिक्चर्स, मतलब कि साइड में ब्लैक बार्स होंगे अगर आप 24.2 मेगापिक्सल में कैप्चर कर रहे हैं तो। तो एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, यूजुअली देखिए 4:3 एस्पेक्ट रेशियो रहता है कॉमनली, अदरवाइज 16:9 एस्पेक्ट रेशियो रहता है। तब जाकर अगर आप मॉनिटर पर देखेंगे तो फुल स्क्रीन दिखेगा, लेकिन क्योंकि 24.2 मेगापिक्सल है तो इमेज साइज में क्रॉप करना पड़ेगा तो 3:2 एस्पेक्ट रेशियो में पिक्चर्स आएंगे। लेकिन अगर आप वीडियोस निकालेंगे तो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में बहुत बढ़िया क्वालिटी, इमेज क्वालिटी जो है मिलता है वीडियो निकालते वक्त। तो ये एक एडवांटेज भी यहाँ पर है। तो अल्फा 6400 में ऐसे ढेर सारे फीचर्स एंड ऑप्शंस है जो एक प्रोफेशनल वीडियो कैमरा में होता है, जैसे कि ज़ेब्रा फंक्शन हो या फिर फोकस पीकिंग हो, मतलब कि अगर आप फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पर डिस्प्ले करेगा कि कहाँ पर एक्चुअल में फोकस हो रहा है। तो ऐसे आप वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी एक्यूरेटली आप फोकस बना सकते हैं, एंड आपको पता चलेगा कि कहाँ पर एग्जैक्टली फोकस हुआ है, इमेजेस हो या फिर वीडियो भी हो। तो ऐसे फोकस पिकिंग ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ज़ेब्रा फंक्शन मतलब कि वहाँ पर शेडोस एंड हाइलाइट्स के लिए आपको ज़रूर मदद करेगा कि कहाँ पर ओवर ब्लोन है हाइलाइट्स हो या फिर शेडोस कहाँ पर डार्कर ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ को हिस्टोग्राम पर अच्छी तरह से देखकर आप कैप्चर कर सकते हैं वीडियो को प्रोफेशनल की तरह। तो ऐसे सारे टूल्स मिलते हैं, एंड इसके साथ नया जो है HLG फंक्शन मतलब कि HLG प्रोफाइल मिलता है, हाइब्रिड लॉक कैमरा जो कहते हैं वो वाला प्रोफाइल दे रहा है अभी सोनी अल्फा 6400 में। ये यूजुअली ज़्यादा महंगा कैमरास में जो एस लॉग हम कहते हैं, मतलब कि जितना इंफॉर्मेशन रहता है सीन में वो सारा इंफॉर्मेशन कैप्चर करना, ये इसको सेपरेट से लॉग करके देते हैं। कोई भी ऑल्ट्रेशन कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, जो सेंसर देख रहा है वही कैप्चर करेगा, एंड जब आप वो एडिट करेंगे फुटेज को तब जाकर आपको बहुत ही अच्छा ग्रेडेड इमेज मिलेगा। जो भी मूवीज़ कैप्चर करते हैं वैसा ही करते हैं, अनग्रेडेड प्रोफाइल जो कहते हैं, मतलब कि जो सेंसर देख रहा है वहीं वीडियो लेकर अगर आप एडिट करेंगे तो ढेर सारा इन्फॉर्मेशन जो है उसको, कैसे आपको एक लुक चाहिए सिनेमा स्टाइल की तरह या फिर कैसे आपको लुक चाहिए बेसिकली, वैसे आप बना सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी इन्फॉर्मेशन। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये आपको ऑप्शन अल्फा 6400 में मिल रहा है अभी। तो ऐसे सारे अगर फीचर्स देखेंगे तो वेरी कंपेलिंग पैकेज हो सकता है। एंड जैसे कि कनेक्टिविटी रिलेटेड हो वो सारा चीज़ कवर कर लिया है सोनी ने, वाईफाई हो या फिर NFC हो या फिर ब्लूटूथ हो, ऐप से पेयर करना हो, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। एंड इसका बैटरी लाइफ जो है अराउंड 410 शॉट्स आना चाहिए अगर आप एक बार फुल 100% चार्ज करेंगे बैटरी तो। 410 शॉट्स फॉर ए कॉम्पैक्ट मिररलेस कैमरा आई थिंक बहुत बढ़िया है। तो इम्प्रूव भी किया है इन्होंने, क्योंकि कुछ इश्यूज थे बैटरी लाइफ का अल्फा 6300 में हो या फिर अल्फा 6500 में हो, तो आई थिंक दैट्स अ प्लस पॉइंट देयर एज वेल कंसिडरिंग द साइज ऑफ द कैमरा। तो 4K भी है इसमें, ओवर सैम्पल्ड फुटेज रहता है 4K अल्ट्रा HD पर, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड 24 फ्रेम्स पर सेकेंड में कैप्चर होता है। एंड अगर आप 1080p निकालेंगे तो 120 फ्रेम्स पर सेकेंड निकाल सकते हैं, मतलब कि स्लो मोशन फुटेज भी आप बना सकते हैं 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। तो इतना भी सुपर स्लो नहीं, लेकिन फिर भी कंसिडरिंग द प्राइस एंड द फीचर्स इट हैज़ टू ऑफर बहुत अच्छा पैकेज है। एंड वैसे ही जो नया फीचर है वो ऑटो फोकस सिस्टम है, कह रहा है कि अभी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऑटो फोकस है इसमें विथ AI पावर्ड, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर आप
कुछ एनिमल्स का हो कुछ पर्सन्स का हो निकल रहा है तो अपने आप डिटेक्ट करेगा उसका आई कहाँ पर है, तो एग्जैक्टली वहाँ पर आपको फोकस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आई पर फोकस रहेगा इमेज में तो ऑटोमेटिकली सारा वहाँ का जो पोर्शन है वो फुल फोकस में रहेगा, तो वैसे हेल्प होगा अगर आप एक अमेचर फोटोग्राफर है तो भी। वैसे बढ़िया फीचर्स है एंड वो वाला जो ऑटो फोकस सिस्टम है अल्फा 9 से लिया गया है जो कि स्पोर्ट्स ओरिएंटेड कैमरा है, मतलब कि आप समझ सकते हैं वेरी फास्ट ऑटो फोकस सिस्टम तो डेफिनेटली रहेगा। कैसे इंप्लीमेंट किया है ये तो मैं खुद टेस्ट नहीं किया हूँ इसके वजह से मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो कह रहे हैं सोनी तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो ये एक नया चीज़ है जो प्रीमियम कैमरा से कुछ फीचर्स यहाँ पर भी लिया गया है एंड ओवरऑल बॉडी का डायमेंशंस हो हैंडलिंग हो ये सारा चीज़ तो अल्फा 6500 में जो है वो सिमिलर एग्जैक्टली सिमिलर मिलता है यहाँ पर भी। एंड इसमें एक खास बात यह है कि यूट्यूबर्स के लिए या फिर ब्लॉगिंग करते हो या फिर आप अपना जो भी ऐसे रखकर वीडियोस बनाते हो तो आपके लिए फ्लिप स्क्रीन मिलता है, हालांकि आर्टिकुलेटेड एलसीडी स्क्रीन नहीं लेकिन फिर भी फ्लिप स्क्रीन जो टच स्क्रीन है 3 इंच का। तो बेसिकली पहले क्या था अल्फा 6300 6500 में ऐसे ऊपर नीचे कर सकते थे बस, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं आप फुल फ्लिप कर सकते हैं। थोड़ा वियर्ड मैकेनिज्म है क्योंकि आसानी से ऐसे फ्लिप नहीं कर सकते, थोड़ा निकाल के जो फ्रेम रहता है उसको ऐसे पलटना पड़ता है, तो एक थोड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी ब्लॉगिंग करने के लिए ये चीज़ अभी इन्होंने दिया है। तो उसके हिसाब से माइक इनपुट भी है लेकिन हेडफोन जैक नहीं, अगर आप मॉनिटर करना चाहते हैं कि कैसे आवाज़ आ रहा है वो वाला फीचर नहीं इसमें, हेडफोन पोर्ट नहीं लेकिन माइक इनपुट है, तो अपना माइक लगाकर आप वीडियोस बना सकते हैं। तो ऐसे सारे फीचर्स है एंड अराउंड $1000 पर इन्होंने MRP रखा है, मतलब कि $900 फॉर बॉडी ओनली। एंड अगर आप जो किट लेंस है 16-50 mm का है शायद, तो अगर आप वो लेंगे अराउंड $1200 तक पड़ेगा आपको, मतलब कि जब इंडिया में लॉन्च करेंगे तो आई थिंक इट विल बी अराउंड 65,000 rupees। तो इन सारे फीचर्स को देखने के बाद 65,000 rupees देना एक कैमरा के लिए, आई थिंक कंसिडरिंग दी कॉम्पैक्ट फैक्टर जो है एंड इतने सारे प्रोफेशनल फीचर्स मिलता है आपको विथ वेरी गुड इमेज क्वालिटी, क्योंकि एक ऑलरेडी पॉपुलर मॉडल्स है अल्फा 6500 एंड 6300, ऐसा नहीं कि फ्लॉप हुआ है, तो इसके वजह से ये सारे चीज़ अगर हम देख रहे हैं तो एक वेरी गुड बाय हो सकता है। इवन दो थोड़ा प्रीमियम प्राइस है लेकिन फिर भी देखिए इसके अल्टरनेटिव्स जो है पैनासोनिक G9 है वो भी 4K निकालता है, बहुत सारे अच्छे फीचर्स है उसमें भी सिमिलर फीचर्स मिलते हैं आपको, लेकिन DSLR जैसा है वो थोड़ा बड़ा कैमरा कॉम्पैक्ट नहीं। एंड अदर ब्रांड्स का ऑप्शन कंसिडर करेंगे तो कैनन का निकन का मिररलेस कैमरा अगर लेंगे तो कैनन M50 है, वो भी एक हिट हुआ है मॉडल। अगर आप एक कंटिन्यूस आउट ऑफ फोकस अच्छा वाला देख रहे हैं तो आई थिंक कैनन M50 अच्छा कैमरा है, बट कंसिडरिंग इतने सारे फीचर्स एंड कॉम्पैक्ट फैक्टर जो है अल्फा 6400 वुड बी ए ग्रेट बाय। तो देखते हैं टेस्ट करते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं रिव्यू करूँ इस कैमरा का तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों क्या आप सोचते हैं इस कैमरा के बारे में अल्फा 6400 जो सोनी का नया फीचर सेट कैमरा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या आप लेना चाहते हैं ऐसा कैमरा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करेंगे तो ज़रूर हेल्प होगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।